हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग ऑनलाइन एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे प्रोटम स्पीकर के बारे में और विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो प्रोटम स्पीकर क्या होता है? ये एक टेम्परेरी पोस्ट होती है जिसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो इनकी ड्यूटी होती है ओथ दिलाने की न्यूली इलेक्टेड मेम्बर। विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा जो है 5 ईयर्स की होती है इसकी टर्म। इसकी एलिजिबिलिटी होती है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज उनकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें मेंबर्स हो सकते हैं 500 और मिनिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है साइज और पॉपुलेशन पे स्टेट की। इसमें जो स्पीकर होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं तथा जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो अपोजिट पार्टी के होते हैं। विधान परिषद में एक परमानेंट बॉडी है, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में और इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। परमानेंट बॉडी है, मैक्सिमम 6 ईयर्स तक इसमें जो है मेंबर्स हो सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया जो है एलिजिबिलिटी है एज 30 ईयर्स होनी चाहिए और इसमें टोटल मेंबर 1/3 होते हैं विधानसभा के मिनिमम। चेयरमैन इसमें एनी पार्टी के हो सकते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन अपोजिट पार्टी के होंगे। इसमें 6 ईयर्स तक जो है मेंबरशिप होती है और इसमें 5 ईयर्स तक। यूनिकैमरल देखते हैं हम, यूनिकैमरल और बाइकैमरल क्या होता है? तो यूनिकैमरल होता है जब 1 हाउस होता है हमारे स्टेट में और बाइकैमरल स्टेट होता है जब हमारे 2 हाउसेस होते हैं स्टेट में। अभी फिलहाल 7 स्टेट्स है जहाँ पे बाइकैमरल है। तो अब कहते हैं विधानसभा, अगर विधान परिषद हमें बुलाने हो अपने स्टेट में, अगर हमें बाइकैमरल बनाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो उसके लिए विधानसभा जो है गवर्नर से रिक्वेस्ट करती है तथा पार्लियामेंट में बिल पास होता है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद हमारे प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद जो है हमारी विधान परिषद आती है। विधान परिषद परमिशन पे विधानसभा और पार्लियामेंट दोनों की परमिशन होनी चाहिए तभी हमारी विधान परिषद स्टेट में आएगी। सपोज करिए हमारे विधानसभा में 120 मेंबर्स हैं, विधानसभा में 1/3 इट मीन्स 40 सीट्स होनी जरूरी है, मिनिमम 40 सीट्स होगी। ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है विधानसभा और विधान परिषद के रेफरेंस में तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है, ये हम कल करेंगे कल की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।